चलिए बात करते हैं सर्वोच्च अदालत के एक अहम फैसले की। राजनीति के अपराधीकरण पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सख्त आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को निर्देश दिया है कि सभी प्रत्याशियों का रिकॉर्ड और उन्हें टिकट देने की वजह वेबसाइट और सोशल मीडिया में देनी होगी। राजनीति में अपराधीकरण पर सुप्रीम सख्ती, पार्टियों को आदेश, सभी उम्मीदवारों का रिकॉर्ड करो सार्वजनिक। सियासत और अपराध का गठजोड़ अब और बर्दाश्त नहीं। अब पार्टियों को बताना होगा कि उनके नेता कितने पाक साफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में अपराधीकरण पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को आदेश दिया है कि वो अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करें, सोशल मीडिया और अखबारों में इसकी जानकारी दें। साथ ही राजनीतिक दलों को ये भी बताना होगा कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपराध से जुड़े प्रत्याशियों को टिकट क्यों दिया है। इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों को प्रत्याशी के ट्रैक रिकॉर्ड की जानकारी चुनाव आयोग को भी देनी होगी। इस आदेश का पालन न होने पर आयोग अपने अधिकार के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी दागी आदमी को टिकट देती हैं, तो उनको उसका कारण बताना पड़ेगा कि क्या उस क्षेत्र में, उस लोकसभा के क्षेत्र में या उस विधानसभा के क्षेत्र में उनको एक भी आदमी साफ सुथरा नहीं मिला। यदि वो देती हैं तो उसके बाद उनको 48 घंटे के अंदर उस कैंडिडेट का पूरा विस्तृत ब्यौरा, उसके अपराधों का पूरा ब्यौरा, उसके खिलाफ FIR कितनी हुई हैं, FIR कहां कहां हुई हैं, FIR किन धाराओं में हुई हैं, चार्जेस फ्रेम हुआ कि नहीं हुआ, कितने क्या पूरे ट्रायल की क्या स्टेज है, ये पूरा विस्तृत ब्यौरा 48 घंटे के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने फेसबुक और ट्विटर पर डालना पड़ेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि साल 2018 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस बारे में कुछ करना जरूरी है। हालांकि आंकड़ों पर गौर करें तो कोई भी पार्टी इस मामले में दूध की धूली नहीं है। इस बार संसद में 43% सांसद दागी हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR के आंकड़ों के मुताबिक BJP के 301 में से 87 सांसदों पर गंभीर मामले हैं, जबकि कांग्रेस के 51 में से 19 सांसद दागी हैं, DMK के 23 में से 6 सांसद दागी हैं, ममता की तृणमूल कांग्रेस के 22 में से 4 सांसद दागी हैं, जबकि JDU के 16 में से 8 सांसद दागी हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश लोकतंत्र में एक वोटर के अधिकार को मजबूत करता है। एक वोटर को न केवल इस बात की जानकारी होगी कि जिस उम्मीदवार को वो वोट देने जा रहा है उसका आपराधिक अतीत क्या है, बल्कि राजनीतिक दलों को भी जनता के बीच ये साफ करना होगा कि आखिर दागी उम्मीदवार को वो किस बिना पर टिकट देने जा रहे हैं। और सबसे अहम बात ये कि अगर इस आदेश का अमल नहीं हुआ तो कोर्ट की अवमानना झेलनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।